नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे साथ निर्मल जी हैं, जो हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस का रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उन्होंने थोड़े टाइम पहले ही मोनोक्युलर विजन है, वन आइड ब्लाइंड पर्सन जिनको कहे थे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप वीडियो में आइए और सभी दिव्यांग पर्सन को समझाइए कि आपने किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाया है। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है निर्मल जी। निर्मल जी, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, किस टाइप की डिसेबिलिटी है आपको और आप कौन से स्टेट से हैं। नमस्ते, मेरा नाम निर्मल सदावर्दे, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो मुझे एक आई से देखने के प्रॉब्लम है, मतलब लेफ्ट आई मेरा कम्प्लीटली ब्लाइंड है, सिर्फ राइट आई से देख सकता हूँ मैं। तो मुझे भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो इसी रिगार्डिंग हार्दिक भाई से भी बात हुआ था और बहुत मैंने ऑनलाइन भी देखा, सर्च किया, उसके बाद लगा कि मिल सकता है और थोड़े प्रयास करने के बाद वो मिला भी मुझे। लेफ्ट आई से मुझे बाय बर्थ थी, इसमें विजन नहीं है। तो छोटा था तब, एक ऑपरेशन भी हुआ था लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, तो उसमें विजन है ही नहीं पहले से। और अपना डिसेबिलिटी का ऐसा है कि वन आई अगर आपका करेक्टेड है, 6x6 अगर होता है, तो आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है, मतलब अबो 30% नहीं रहता है तो उसका कोई यूज भी नहीं है। अच्छा, तो वैसे देखे तो वन आई पर्सन डिसेबल है ही नहीं, ऐसा मान के चलिए। और वैसे हमको खुद को भी ट्रीट करना चाहिए एक्चुअली। हाँ, तो उसी प्रॉब्लम हमारा एक आई पर्सन का प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमें उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलना है तो वो भी नहीं मिलता है, और अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते तो भी वो जो उधर इंस्पेक्टर है RTO, वो बोल देते कि नहीं आपका आपका प्रॉब्लम है तो आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। एक्चुअली मैंने भी बहुत ट्राई किया था पहले ये कि मुझे मिले क्या, कुछ डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले लूँ, तो तब ऐसा प्रोविजन कुछ था नहीं और किसी को मालूम नहीं था। तो एक्चुअली ऐसे मैं ट्राई करते रहा थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद। तो 2018 में मैंने ऑनलाइन जब सर्च किया तो एक तमिलनाडु में एक पर्सन है, उनको मिला था, तो उन्होंने कोरा में मैंने देखा, तो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उन्होंने कैसे कैसे वो सर्टिफिकेट लिया और कैसे स्टेप बाय स्टेप गाइड उन्होंने किया। आप भी अगर कोरा में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस फॉर वन आइड पर्सन। तो उन्होंने उनके पूरे प्रोसीजर के साथ एक गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एम्स ने मिलकर बनाया है। उन्होंने स्टडी किया है कि वन आई पर्सन का अगर उसमें दो तीन शायद कोई रूल्स है, उसमें अगर वो हम क्वालिफाई करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। तो पहला तो रूल उसमें ऐसा है कि आप अगर आपका विजन एक जो अच्छा आया है वो अगर मिनिमम 12x12 करेक्ट हो सकता है स्पेक के साथ तो आपको मिलेगा। अगर आपका विजन एंगल है 120 डिग्री या उससे बेटर है, और अगर आपको एटलीस्ट 6 मंथ से ज्यादा हो गया है एक आई ब्लाइंड होके, तो आप इलिजिबल हो, आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो स्टार्टिंग में मैंने जब 2018 में भी ट्राई किया था तब एक RTO को डायरेक्ट जाके मिला था मैं, वो इंस्पेक्टर ने देख के बोल दिया नहीं नहीं ये तो नहीं होगा अपना, हमारे इधर नहीं है। तो मैंने भी उसका मान लिया और छोड़ दिया, मुझे लगा अभी होगा नहीं ये। तो मैंने भी बहुत ट्राई नहीं किया था कि हम थोड़ा हमारे इसमें थोड़ा एफर्ट्स कम रहते हैं, थोड़े निगेटिव हो जाते कि ठीक है अभी नहीं मिलता है तो छोड़ दो। लेकिन ये ऐसी चीज है कि वो इजीली कोई RTO नहीं देता, मतलब अगर आप रात में कैसे कर पाएंगे, अगर इधर के लेफ्ट साइड में अगर ज्यादा ट्रैफिक रहेगा अचानक से आया को आप नहीं देख पाएंगे, या फिर आप अगर बाइक चला रहे और आंख में कचरा चला गया तो क्या हुआ, ऐसा कुछ बहुत सारे सवाल रहते हैं। लेकिन हमें ध्यान में रखना कि ये तो सर्कुलर निकाला है गवर्नमेंट ने और एम्स ने मिलके, तो पूरा स्टडी करके ही निकाला है और हम इलिजिबल है, तो हमें सिर्फ उनको कन्विंस करना ही पड़ता है कि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट देख के नहीं मानेंगे। तो ऐसे मैंने 2018 के बाद कुछ किया नहीं, लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन वगैरह लगा तो मुझे और थोड़ा टाइम मिला देखने को, तो मैंने देखा कि क्या क्या कर सकते हैं हमने ऑनलाइन, किसको किसको मिला है। तो करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो हम ऐसे तो मानेंगे नहीं RTO लोग, तो मैंने सोचा कि एक RTI लिखते,
तो मैंने अक्टूबर में आरटीआई डाला एक सेंट्रल अपना जो मिनिस्ट्री है उसको ट्रांसपोर्ट या अक्टूबर 2020 में, तो उधर से मिलने को मुझे रिप्लाई आया कि ये जो आपका कंसर्न है तो हम ये लेटर तो है लेकिन ये इसको क्लेरिफिकेशन हमने आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। तो उन्होंने वो आरटीआई स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। तो मैंने उसमें मांगा था कि ये डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब आप वैलिड कर सकते हैं क्या, ये ट्रू डॉक्यूमेंट है क्या, अगर है तो किन लोगों को इस डॉक्यूमेंट के आधार पे लाइसेंस मिला है और ये कब से लागू हुआ है। तो मुझे उससे स्टेट गवर्नमेंट से पूरा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये हम इन्फॉर्मेशन हमारे जो आरटीआई का एक्ट है उसमें देने के लिए नहीं आती है तो हम ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम आप ले सकते इसमें। तो एक बात तो हो गया कि उसमें नहीं मिला। फिर मैंने फिर दूसरे एंगल से कह के देखते अभी फिर मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर में जिन्हें रेगुलर उनसे ट्रीटमेंट लेता था मेरा हिस्ट्री उनको पता था तो उनके पास गया मैं और उनको ये सर्टिफिकेट दिखाया कि ऐसा ऐसा सर्कुलर है गवर्नमेंट का तो इसमें मैं एलिजिबल हूँ क्या। तो उन्होंने देख के पूरा मेरा चेकअप वगैरह करके बोला कि हाँ तुम इसमें एलिजिबल हो और तुमको मिलेगा पक्का। तो मैंने उनके पूछा कि आप ये सर्टिफिकेट इशू कर सकते क्या मुझे, तो उन्होंने बोला मैं कर सकता हूँ लेकिन जो अथॉरिटी है उनको इनका ही चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेगा। तो फिर मैंने उनसे सर्टिफिकेट लिया और फिर हमारे इधर लोकल जो तहसील प्लेस में रहता है पहले उधर गया तो उन्होंने बोल दिया कि इधर तो हमारा अथॉरिटी नहीं है सर्टिफिकेट इशू करने की, आप तो एक तो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल रहता है उधर जाइए या फिर हमारे इधर मुंबई में बड़ा है जे हॉस्पिटल वहां पर जाइए। तो फिर मैं फेब्रुआरी 2021 में इधर गया हमारा थाने तहसील का जो है सिविल हॉस्पिटल और फिर वहाँ पे थोड़ा सा उनको डॉक्टर से हमें डॉक्टर भी डायरेक्टली ये नहीं करेंगे उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा आपको। तो मैंने ये सर्कुलर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सर्कुलर और जो आदमी था उनका मैंने जो न्यूज पेपर का फाइल बना लिया था ना ऑनलाइन, हाँ पूरा फाइल बना लिया मैंने मेरा आरटीआई का उसमें डाला ये इसका डाल दिया सर्कुलर। उसके बाद में फिर हम उसका जो 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 हाँ अभी तो नहीं है मेरे पास अच्छा, लेकिन मैंने बनाया था उसमें फिर न्यूज वगैरह जितने भी आए थे कि इनको मिलता है क्या क्या किया है वो सब बना के ले गया। फिर मेरे प्राइवेट डॉक्टर का भी सर्टिफिकेट उसमें डाल दिया और मुझे जो रेफर किया था तहसील प्लेस से सिविल हॉस्पिटल ने उनको भी उनका भी डाल दिया। और उनको पहले तो उन्होंने ना ही बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा ये वो, तो मैंने उनको दिखाया कि देखिए ऐसे ऐसा न्यूज है ऐसे मिल रहे मुझे एमडी डॉक्टर प्राइवेट ने भी दिया है सर्टिफिकेट और वो उन्होंने चेक करके ही दिया है तो आप एक बार चेक करके देखिए क्या है। तो उनको चेक करके देख के उन्होंने फिर ठीक है वो कन्विंस हुए उन्होंने चेक किया और फिर सर्टिफिकेट इशू किया तो ऐसे मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। और सर्टिफिकेट भी आप फिर ऐसा है कि और भी मेरे कुछ पहचान के लोगों को मिला है तो एक जो इसमें दिया है प्राइवेट डॉक्टर ने क्या है ना जो उनका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक एक पॉइंट फिलअप करके दिया लेकिन अभी गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है उसी में वो सिर्फ दे देते हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी किया आप इसमें दिखा सकते हैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हाँ हाँ तो उसमें सिर्फ उन्होंने नोट में लिख दिया कि ये सर्कुलर के हिसाब से Revision completed. He is eligible for non-transport LMU and two-wheeler. तो उस हिसाब से मुझे वो सर्टिफिकेट मिल गया। फिर उसके बाद मेन काम तो हो गया था मेरा बाद में सिर्फ अभी जब RTO को बताना और वो प्रोसेस फॉलो करना था। तो मैंने फिर उसके बाद इसके लिए अप्लाई किया एक एजेंट के थ्रू किया उनको भी दिखाया कि ऐसा ऐसा है क्योंकि क्या है खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैंने सोचा कि अभी एजेंट रहेगा तो क्या है ना थोड़ा कन्विंस कर सकते हैं उनको थोड़ा फीस एक्स्ट्रा लगेगा नहीं तो हम खुद भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने एजेंट के थ्रू गया और फिर उन्होंने उसके से आरटीओ से भी बात किया तो उन्होंने देखा सर्टिफिकेट वगैरह पहले तो कोई भी जालेगा बोलेगा तो नहीं बोल देते नहीं, बस सभी को मना कर रहे हाँ बस सामने जाते ही वो देखते ही बोलते नहीं नहीं आपका प्रॉब्लम है तो होगा नहीं तो हमें रिक्वेस्ट करके पोलाइटली उनको दिखाना है एक एक चीज क्या क्या हमने किया है क्या किसको मिला है क्या तो लोग भी देखते कंसिडर करते हैं क्योंकि उनको भी अवेयरनेस नहीं है ये सर्कुलर उनको पता नहीं रहता है तो उन्होंने देखा बाद में फिर एक अलाउ किया फिर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए मेरा भी वो एक्चुअली मैंने मार्च में 2021
में अप्लाई किया था, अप्रैल का डेट मिला था, लेकिन वो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, वो वापस मुझे फिर अगस्त का मिला। तो फिर अगस्त में मुझे उनका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देके लर्निंग लाइसेंस मिला। उसके बाद फिर अक्टूबर में मेरा एक महीना होने के बाद रहता है कि आप वापस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे उसका डेट अक्टूबर में मिला, 28 अक्टूबर को। फिर मैंने लोकल मेरे यहाँ पे उधर टेस्ट दिया। तो अगर आप बड़े इसमें जाते हैं तो उधर टेस्ट रहता है पूरा, 8 वगैरह चला के वो सब करने का, लेकिन मेरा लोकल इसमें था तो उतना नहीं था, लेकिन इजी था तो हो गया पास। और मुझे ड्राइविंग आती है, मैंने सीख लिया था पहले। टेस्ट में गए थे तब चलाने में टू व्हीलर थी या फोर व्हीलर थी जब आप टेस्ट देने गए थे? नहीं, दोनों है अपना। मैं एजेंट के थ्रू गया था तो उनका गाड़ी था ही, टू व्हीलर मेरा था। अच्छा, तो दोनों का टेस्ट दिया वन बाय वन। वहाँ पे भी उनका जो ड्राइविंग टेस्ट में भी आपको उनको बताना पड़ेगा सब हिस्ट्री क्या है, कैसे आपने किया है। हर जगह पे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती है। हाँ, इन्फॉर्मेशन क्योंकि उनको कुछ नहीं पता रहता है और वो थोड़ा डरते भी कि मैं अगर इशू करूंगा। अभी ऑनलाइन रहता है तो उनका सब को किसने इशू किया है वो सब रिकॉर्ड में रहता ही है, तो थोड़ा डरते हैं, लेकिन हम कन्विंस करेंगे तो मानते भी, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए मैं एजेंट के थ्रू भी कहता कि वो हमें थोड़ा वक्त तो मिलेगा उनको कन्विंस करने को। हम इंडिविजुअली जाते हैं तो शायद वो ज्यादा देर देते नहीं है इसके लिए। हाँ, सब किया। फिर अभी जनवरी में मुझे लाइसेंस आया। इसमें सर फीस वगैरह कितनी लगी आपको दोनों की? फीस तो देखिए सभी स्टेट का अलग रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप हाँ नॉर्मल कुछ 300 इसका था लर्निंग लाइसेंस का और 1000 समथिंग ड्राइविंग टेस्ट का था, और बाकी एजेंट का फी वगैरह रहता है। मतलब एजेंट का अलग तो आप है? हाँ, एजेंट का है तो उसको अलग देना पड़ेगा। वो तो अपने तरह से चार्ज करते सभी एजेंट। हाँ, तो 1300 मतलब 1300 रुपए हुए ना आपको फीस वगैरह का? वैसे तो अभी सब इजी है, आप ऑनलाइन। हाँ, 1300-1400 टोटल सब खुद से सब करेंगे तो। अच्छा, और उसमें आप जो है वो कमर्शियल व्हीकल नहीं चला सकते, अपना खुद का ही? नहीं नहीं, हाँ हमें सिर्फ पर्सनल व्हीकल ही चला सकते हैं, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो बोलते हैं LMV और मोटरसाइकिल विद गियर। ये सब एजेंट है कि आपने कुछ नहीं किया? आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट दिए अपने, फोटो अपने वगैरह सब जो डॉक्यूमेंट लगते थे? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट वगैरह दिए, उनके ऑनलाइन फॉर्म भर के सिर्फ ये किया, मेडिकल सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट लेना सब। हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने लिया खुद। तो क्या है ना, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें बाद में जाना है जब हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट हो, तो मेडिकल सर्टिफिकेट हमें खुद निकालना है, या फिर वो उधर के भी कोई एजेंट रहते हैं अगर आपको उनके थ्रू जाना है तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना है। हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है फॉर्म नंबर 1A में डॉक्टर लिख के देते हैं कि आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपको वो मिल सकता है ड्राइविंग लाइसेंस 1I को, 1I ब्लाइंड पर्सन जो है। आपको पहले एक बात और है कि आप पहले RTO में चले गए और उनके इधर से एक फॉर्म मिलता है कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आइए, तो वो भी फॉर्म लेके जा सकते हैं, तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वो फिर आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे इसके बाद टेस्ट करने के बाद। लेकिन इनमें आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपने तरीके से भी आप हाँ आपको देखना है, कन्विंस भी करना है, तो भी होता है ऐसे आपने गए और नॉर्मल प्रोसीजर तो है नहीं, टाइम वक्त भी लगता है और मेहनत भी लगेगी उसको थोड़ी। और सर्कुलर के हिसाब से विजन मेन होना चाहिए, सर्टिफिकेट तभी मिलेगा आपको। आप अगर हो पाए तो आपका आपका जो विजन का सर्टिफिकेट है वो भी हमारे साथ शेयर करना, ताकि मैं हमें दूसरे दिव्यांग पर्सन को दिखा सकूं कि डॉक्टर ने इस तरह से आपको लिख के दिया है सर्टिफिकेट में, ताकि वो डिसेबल पर्सन जो दूसरे है हमारे दोस्त वो भी डॉक्टर को बता सके कि देखिए इस तरह से इनको लिख के दिया है, तो आप मुझे चेक कीजिए मेरा विजन ठीक हो तो मुझे इसमें सिग्नेचर वगैरह और वो लिख के दीजिए, तो वो क्या आपका विजन का सर्टिफिकेट होगा, तो काफी हेल्पफुल रहेगा हम सभी दिव्यांगों के लिए, तो आप वो हमारे साथ जरूर शेयर करना। हाँ, जरूर जरूर शेयर करेंगे, और वही होता है अगर उनको भी कन्विंस होते हैं कि बहुत सारे लोगों को मिला है तो फिर ये देना भी कोई मुश्किल नहीं है। और आपको यही है मतलब मेरे एक फ्रेंड है उनको भी ऐसा प्रॉब्लम है, उनको भी भेजा था एक उनके इधर के सिविल हॉस्पिटल में, तो उनको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला क्योंकि वो कन्विंस नहीं कर पाए और डॉक्टर ने कुछ डॉक्टर लोग सुनते कुछ नहीं सुनते, तो आपको दोबारा वापस ट्राई करना है, मतलब एक बार नहीं हो गया तो नहीं ऐसा नहीं होगा ही, आपको अलग डॉक्टर या कुछ अलग एक करके ट्राई करना है तो मिलता है।
मेन सीएमओ से करना पड़ता है, सिविल हॉस्पिटल से। प्राइवेट का भी सिविल हॉस्पिटल कोई चलाते कोई नहीं। प्राइवेट का एक आपको मतलब वो तो वैलिड नहीं है, पर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है कि मैंने प्राइवेट से चेक कराया तो मैं एलिजिबल हूँ, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो इसे। और आपको जो लाइसेंस मिला है उसकी भी फोटो हमें दिखाना, क्योंकि वो दोनों अलग रहता है। लोकोमोटर का एडेप्टेड व्हीकल क्लास लगता है, और जो वन आई ब्लाइंड की पर्सन है उनका अलग क्लास रहता है, और जो हियरिंग नहीं उनका तो नॉर्मल नॉर्मल मिला है मुझे, क्योंकि हम डिसेबल है ही नहीं ऐसा ये करके। नहीं वो इसमें क्या है, हियरिंग वालों को आंख वालों को नॉर्मल लाइसेंस मिलता है जैसे दूसरे पर्सन को मिलता है ऐसा, और जो लोकोमोटर वाले उनको एडेप्टेड व्हीकल का मिलता है। और सभी दिव्यांगों में ऐसी धारणा बन चुकी है हमें एडेप्टेड व्हीकल का ही लाइसेंस मिलता है, लेकिन एडेप्टेड व्हीकल का लाइसेंस नहीं मिलता है जिनकी कार और बाइक में मॉडिफिकेशन हो और उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो। ये आपको भी जो मिला वो नॉर्मल वाला मिला है, एलएमवी और वो मोटरसाइकिल व्हीकल वाला, उस तरह से ही मिला होगा ना आपको, उसके भी आप हमें फोटो दिखाना, इसलिए समझ पाए। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर उसमें उनका क्लास लिखा हुआ है, एलएमवी मतलब लाइट मोटर व्हीकल है। फिर है उसमें दूसरा टू व्हीलर के लिए, ये एलएमवी मतलब फोर व्हील का हो जाता है। फिर दूसरा है एमसीडब्ल्यूजी मोटरसाइकिल विथ गियर, सही है ना? सही है। तो ये दो उसको उनको दो क्लास मतलब टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का लाइसेंस साथ में ही दे दिया है, और ये नॉर्मल वाला है, एडेप्टेड व्हीकल वाला नहीं है। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस है ड्राइविंग लाइसेंस की। तो आशा करता हूँ कि आपको भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, और निर्मल सर ने हम सबके लिए टाइम निकाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हम सभी को, आप वीडियो से जुड़े हमारे, तो हमें भी खुशी हुई कि थैंक यू इस तरह से हमें समय दिया और सभी दिव्यांग पर्सन को इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे। लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि अगर एक आय से आपको प्रॉब्लम है दिखना कम या बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और एक आय आपकी अच्छी है तो आपको बिल्कुल लाइसेंस मिलेगा। आपको सिर्फ ट्राई करना होगा, एक बार दो बार जितनी भी टाइम लगे तो आपको लाइसेंस मिलना ही मिलना है अब, क्योंकि अभी रूल है तो मिलेगा ही, सब आपको आप कितना प्रयास करते हैं उस पर डिपेंड है। और मेन सर्कुलर वो सर्कुलर के वजह से ही, अदरवाइज तो नहीं मिलता था। थैंक यू, आप हमारे से जुड़े और हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो गुड बाय एंड टेक केयर।